माँ, इतनी भी क्या जल्दी है इस बंटवारे की? हाँ माँ, आप प्लीज। जो काम जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। माँ, ये क्यों आया है? इसे मना किया गया था इस मीटिंग में आने के लिए। विजय भैया, रोहित को बैठने दीजिए। देखो, मैं तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ, कम से कम कभी तो मेरी बात मान लिया करो तुम लोग। लेकिन रोहित अपना है, अपना ही हिस्सा है, कोई गैर नहीं। ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे रणधीर। विजय, बैठने दो उसे। बैठो रोहित। बाबूजी की वसीयत के मुताबिक हमारे घर और कारोबार के 7 हिस्से होंगे। 4 हम भाइयों के, 2 हिस्से बहनों के और 1 मां का हिस्सा। मैं अपना हिस्सा भी तुम लोग में बांट देना चाहती हूँ। नहीं मां, ऐसा मत कीजिए आप। अपना हिस्सा अपने पास ही रहने दीजिए प्लीज। हाँ मां, यही बेहतर होगा। अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी में इस हिस्से की वसीयत कर सकती हैं, लेकिन अभी से इस हिस्से को मत बांटें। हाँ मां, तो सब कुछ तय हो गया है। मैं सॉलिसिटर से बात कर लूंगा। चलिए, माँ जी का हिस्सा तो समझ में आता है, लेकिन गीता दीदी और सरिता का हिस्सा, ये क्या फैसला हुआ? ये वसीयत बाबूजी की थी मुस्कान। लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो वसीयत बाबूजी बना गए हैं वो पत्थर की लकीर हो जाए। हमारे खानदान में तो ऐसी कोई रिवाज नहीं है। एक बार एक लड़की की शादी हो जाए ना, उसका हिस्सा अपने पति के साथ ही होता है, पिता कुछ नहीं देता। हाँ भाभी, हमारे खानदान में भी लड़कियों को आज तक हिस्सा नहीं दिया गया है और देना भी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? वो पिता का भी हिस्सा ले जाए, पति का भी हिस्सा ले जाए, और बेचारे लड़के, उनको कुछ ना मिले। वो क्या करें? बस मेहनत मजदूरी करते रहे। भैया, मुझे लगता है कि इस बारे में एक बार माँ से बात की जा सकती है। हाँ, माँ से हम बात कर सकते हैं। जीजू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो। जीजू, इसमें मेरा क्या कसूर था? अगर उन्हें शादी से पहले कोई और लड़की पसंद थी तो उन्होंने मुझसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। मैंने या आप लोगों ने उनके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी? नहीं नम्रता, कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी। ये शादी हम सब की मर्जी से हुई थी। हितेश की मर्जी से, तुम्हारी, हम सब की मर्जी से। और इसमें किसी का कोई कसूर है भी नहीं, ना हितेश का ना तुम्हारा। अगर कसूर है तो सिर्फ आर्ची का कसूर है। देखो, शादी से पहले मर्द या औरत की जिंदगी में जो भी गुजरता है उसे एक ख्वाब समझकर भूल जाना चाहिए। और दोनों में से किसी को हक नहीं होता एक दूसरे की माजी जिंदगी को कुरेदने का। समझिए, तुम फिक्र मत करो, हम आर्ची का कुछ इलाज ढूंढ निकालेंगे। इस तरह रो मत नम्रता, तुम्हारे रोने से कोई हासिल नहीं होगा। देखो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। और यू आर अ स्ट्रांग गर्ल, यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जाओ, अपने कमरे में जाओ।